afternoon. Yes. Yes. So, did the thing get cleared about that ACS? You had a look? I mean, kind of felt comfortable about it? Okay. Okay. So, we will start with the reading session first. Yeah, that book. Yeah. Yeah. Start with that. You remember where we finished last time? Jane and Peter like to play with the rabbits. Jane or Peter खरगोश के साथ खेलना पसंद करते हैं. Right. बिल्कुल. Peter has one and Jane has one. I think it was done yesterday. ये हो गया है. Peter says yes and boys like flower. No, come again, it's not the way the sentence is. Peter and Jane have some flowers. पीटर और जेन्स के पास कुछ फ्लावर हैं. कुछ फूल हैं. फूल हैं. यस. जेन सेज गर्ल्स लाइक फ्लावर्स. जेन कहता है लड़कियों को फूल पसंद है. कहती है. ओह सॉरी. yes. कहती है. जेन कहती है लड़कियों को फूल पसंद है. राइट. जेन वांट्स टू हैव अ फ्लावर शॉप. जेन चाहती है कि मेरी एक फ्लावर की दुकान हो. फूलों की दुकान हो. जेन एक फूलों की दुकान चाहती है. यू हैव डन मोर बट ठीक है. यस फाइन. पीटर हेल्प्स विथ इट. से इट अगेन. पीटर हेल्प्स विथ इट. With it. अच्छा. With it, पीटर फ्लावर शॉप बनाने में फूलों के दुकान के बारे में हेल्प करते हैं. मतलब ये बोलना चाहते हैं ना. हाँ शायद. हाँ. सहायता करना चाहता है. हेल्प यू से सहायता. राइट. यस. वन मोर सेंट. वन मोर लाइन. ही गेट्स सम रेड फ्लावर्स फॉर जेन. ही गेट्स सम रेड फ्लावर्स फॉर जेन. पीटर कुछ रेड फ्लावर्स जेन के लिए लाया है. लाए हैं दैट सेंस बट नॉट रेड फ्लावर. लाल फूल. और मैं और एक चीज़ बताया था कि डोंट ट्रांसलेट इट इन द सेम ऑर्डर दैट द इंग्लिश इज. आई मीन यू ट्रांसलेट इट फर्स्ट इन दैट ऑर्डर देन रीअरेंज. आप हिंदी में बोलेंगे तो जैसे बोलेंगे वैसे ही ट्रांसलेट करने के बाद बोलना है. नॉट जस्ट यू मेयरली ट्रांसलेट अदरवाइज द एक्सरसाइज विल बी लॉस्ट. Here's the tree, says Jane, and here's some flowers. Jane बोलता है ये ट्री है और यहाँ कुछ पेड़ है. ये पेड़ है. यहाँ कुछ फूल है. और यहाँ कुछ फूल है बोलती है. yes. Come and look, Peter. आओ और देखो पीटर. कम. हाँ पीटर आओ और देखो. ठीक है. मतलब हम लोग बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे. yes. पीटर आओ और देखो. शायद ऐसे भी बोल सकते हैं आओ और देखो पीटर. बट या लुक एट द रेड फ्लावर्स एंड द ट्री. पेड़ को और लाल फूलों को देखो. एग्जैक्टली. दिस वॉज अ लिटिल ट्रिकी. आई वॉज थिंकिंग हाउ डू यू डू इट. एग्जैक्टली. मतलब पहले बात है कि पेड़ आप पहले बोलो तो फिर लाल फूलों वो दैट प्लूरल सेंस विल कम. लाल फूलों की तरफ देखो. ऐसे नहीं बोलना है कि पेड़ की तरफ देखो और लाल फूल की तरफ देखो. दैट्स हाउ यू वॉन्ट से नॉर्मली. हाउ पीपल विल से इज जस्ट लाइक वट यू हैव सेड कि वो पेड़ और वो लाल फूलों की तरफ देखो. एब्सोल्युटली राइट.
पीटर लुक्स, पीटर देखता है, देखता है. यस ही सेज आई लाइक द ट्री एंड आई लाइक द फ्लावर्स. वह कहता है कि मुझे पेड़ और फूल पसंद है. नहीं, वो कहते हैं हाँ, देयर इज एन यस फर्स्ट. वो कहते हैं हाँ, मुझे पेड़, वो पेड़ पसंद, वो पेड़ और वो फूल पसंद है. ठीक है, वो यस को हाँ, जस्ट लाइक यू सेड दैट यू आस्क समबडी डिड यू डू दिस, हाँ मैंने ये किया था. सो दे विल से यस आई हैव डन इट. सो यस हैज टू बी ट्रांसलेटेड. दिस इज अ बोट, सेज पीटर. अ बोट ऑन द वाटर, पीटर कहता है यह एक नाव है. हाँ, नाव पानी में है. पानी में है. हाँ, अब ये पानी के ऊपर आप बोल सकते हो ऑन द वाटर, बट अब हिंदी में कैसे बोलते हो, नाव पानी में है. दैट्स हाउ वी विल से, राइट? सो सेम थिंग ऑलवेज. आई मीन दिस ऑन टू, हाँ वन मोर राउंड, ऑन टू एट द प्रीपोजिशंस यू डोंट ऑलवेज ट्रांसलेट डायरेक्टली, यू हैव टू गेट द सेंसेस. हियर इज अ मैन इन अ बोट. नाव में, यहाँ नाव में एक आदमी है. हेयर इज, आई मीन दैट हेयर, आई सेड दैट हेयर इज ट्रिकी समटाइम्स. मतलब वो हेयर से ही बोल रहा है. वहाँ एक नाव के ऊपर एक आदमी है. दैट मच इज सफिशियंट. ए बॉय इज विद द मैन. एक बच्चा और एक आदमी मेरे साथ है. नो, ए बॉय इज विद द मैन. अब वो बुक को छोड़िए, अ बॉय इज विद द मैन. ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे इसको, ए बॉय इज विद द मैन. ए बॉय का आदमी के साथ एक बच्चा है, एक लड़का है शायद. हाँ, उस आदमी, यहाँ पे द मैन पहले, क्योंकि मैन का कॉन्टेक्स्ट बताया गया है कि जो नाव के ऊपर है, तो उसके साथ है. तो उस आदमी के साथ एक लड़का है या एक बच्चा है, परहैप्स इफ यू लाइक. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इमेज ऑल्सो यू आर सेइंग. दैट्स व्हाई आई सेड डोंट लुक एट द इमेजेस, जस्ट लुक एट द सेंटेंस. ओके ओके, फर्स्ट ट्रांसलेट द पार्ट्स, देन थोड़ा रीअरेंज कीजिए उसको. कौन सा? अच्छा, ओके. हैव अ लुक जेन. जेन देखो. नो, वन मोर सेंटेंस, दैट्स नाइस. हैव अ लुक एट दिस रेड बोट ऑन द वाटर. पानी में जो लाल बोट है उसको देखो. लाल नाव, लाल रंग का नाव या लाल नाव, व्हाटएवर यू लाइक. यस, आई वांट अ बोट, सेज पीटर. पीटर ने कहा मुझे एक नाव चाहिए. एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ो. आई वांट अ बोट, आई वांट द बोट, पीटर. आ बोट या द बोट? आ बोट. ओ हां, मुझे एक नाव चाहिए, बिल्कुल सही. हाँ, that's what I was thinking, that whether it is the, मतलब वो जो नाव की बात किया जा रहा है. I want one to play with. मैं किसी एक पर्सन को अपने साथ चाहता हूँ ताकि मैं उसके साथ खेल सकूँ. ओके, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांसलेट किया हो, दैट्स गुड. अच्छा, फिर से एक बार पढ़ो. I want one to play with it. हाँ. मैं अपने साथी को एक किसी साथी चाहता हूँ. नहीं, I want one to play with, मतलब यहाँ पे one वो नाव के बारे में बोला जा रहा है. ठीक है, उसके that's why, because you came late, तुमको context समझ में नहीं आया. वो one मतलब नाव है. ठीक है, मुझे भी वैसा एक नाव चाहिए खेलने के लिए. तुम और एक सेंटेंस पढ़ो, तुम अच्छा पढ़ते हो. और एक सेंटेंस पढ़ो. प्लीज हेल्प मी डैडी, मुझे मदद कर दीजिए पापा. गुड. Please help me with this. मुझे ये काम करने के लिए मदद करिए. Fine. I mean, how would you represent this? मतलब चलेगा the sense. मतलब मुझे इसके बारे में, इसको लेके, इस काम को लेके, इस काम के लिए. There are many ways to represent. ठीक है, वो context पे. बिल्कुल सही.
I want some help with this. मुझे इसमें कुछ मदद चाहिए. इसमें कुछ मदद चाहिए. इसके लिए या इसमें. Right. Yes, says Daddy. I want to help you with the boat. हाँ, Daddy ने कहा, मैं तुम्हारी मदद इस बोट में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ. इस नाव में. बाकी बहुत अच्छा था. Whatever you said exactly. हाँ, Daddy ने कहा. इस नाव के लिए मुझे मैं तुम्हें मदद करूंगा मदद करना चाहता हूं नॉट करूंगा मदद करना चाहता हूं जस्ट रीड द सेंटेंस अगेन यस आई मिस्ड इट सेज डैडी आई वांट टू हेल्प यू विद द बोट यस हां डैडी ने कहा पापा ने कहा शायद ठीक है मैं पापा ने कहा मैं इस नाव में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं यस नो गिव इट टू हर वी विल फिनिश लाइक दैट गिव इट टू हर विल फिनिश हियर Pass the mic. Okay. Here's Peter with the boat. Speak like that. Here's Peter with the boat. Peter यहाँ नाव के साथ है. Here is Peter with the boat. Yes. वहाँ है Peter नाव के साथ. Okay. Yeah, you still use the mic. I understand. Your voice is big, but they need the mic. There, the recording guys. Okay. It is a red one. What is the problem? Red one. Yeah. It is a red one. Yeah. It is a red one. Yes. He is getting tricky sentences all the time. It seems he is sitting at the right place. yeah. Yeah. Lal. It is red. अगर लिखा रहता तो आप क्या कैसे ट्रांसलेट करते हैं? सपोज ये लिखा है इट्स रेड इट इज रेड इधर यह लाल है ये लाल रंग का है यह एक लाल है हाँ नाव तो यहाँ पे यह एक लाल नाव है हाँ इन दैट सेंस इस वन एक्चुअली रिफर्स टू द बोट कि देयर कुड हैव बीन मेनी बोट्स बट दिस बोट हैपेंड टू बी रेड ऑफ ऑल द बोट्स दिस बोट हैपेंड टू बी रेड तो उन लोगों का ये कहने का तरीका दिस इज अ रेड वन ठीक है दिस इज अ ब्लू वन ही इज अ टॉल वन I have known that guy. He is a tall one. तो मतलब बहुत बंदे हैं लेकिन वो बंदा लंबा है उसमें से सो दैट वन इज एक्चुअली स्पेसिफाइंग इट इज एक्चुअली डूइंग यू नो द जॉब ऑफ एन आर्टिकल इन सम सेंस बिकॉज इट इज स्पेसिफाइंग ओके तो इट्स ये लाल रंग का है इज एनफ दैट वन एक्चुअली मतलब मेक्स इट ट्रिकी सो इट इज रेड भी बोल सकते थे आप ओके बट इट्स रेड वन मतलब ये लाल रंग का है और एक सेंटेंस पढ़िए आई होप दिट्स इन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही वांट्स टू गो टू the water with the boat वह जाना चाहता है पानी की नाव में उसके साथ जाना चाहता है problem ये हो रहा है ना just let me write the sentence hold on बताइए sentence एकदम he wants To go to the water with the boat. वह नाव के साथ पानी में जाना चाहता है. Right? This is the sentence? Yeah. I was hearing वो पानी के साथ नाव में जाना चाहता है. उस समय. ठीक है. Fine. No. So आप लोग क्या कर रहे हैं एक एक करके ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं आप इसको ट्रांसलेट कीजिए अभी लीव द बुक टेक योर टाइम एंड ऑल ऑफ यू आई मीन काइंड ऑफ हेल्प हिम वो पानी में नाव के साथ जाना चाहता है वो पानी में नाव के साथ जाना चाहता है नहीं विद द बोट मतलब एक्चुअली वो नाव लेके पानी में जाना चाहता है दैट्स व्हाट दैट्स द थिंग इज ठीक है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है दैट्स द वे ऑफ पीपल्स एक्सप्रेशन इट कैन नॉट बी वेरी डेफिनेट कि उसको ऐसे ही बोलना है सो यू हैव टू गेट क्लोज टू योर एक्सप्रेशन सो दैट यू कैन कन्वे द मीनिंग दैट इज देयर इन द सेंटेंस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग समबडी इज देयर यू आर ट्रांसलेटिंग इट टू हिम इन हिंदी सो यू वांट टू कन्वे द मैसेज दैट इज देयर इन दिस सेंटेंस
And that if you can convey properly, your job is done. There is no very specific, the specific way, except perhaps the tense. ठीक है, tense of the verb. There is no exact specific way. So what I'm trying to say is this, that as long as you say this much, it's fine. के वो पानी में जाना चाहता है नाव में, नाव लेके, नाव के साथ नाव लेके पानी में जाना चाहता है. नाव से पानी में जाना चाहता है. मे बी दैट कैन बी वन वे ऑफ सेइंग परहैप्स, बट परहैप्स दिस इज व्हाट इज इंटेंडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल पैसेज. बिकॉज एक नाव देखा उसने, फिर उसने डैडी को बोला कि एक नाव लेके जाना है पानी में. सो ही वॉन्ट्स टू, बिकॉज व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, ही सीज अ मैन विद अ बॉय इन द बोट एंड देन पीटर टॉक्स टू हिज डैडी कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो इन टू द वाटर एंड हेल्प मी इन दैट. सो वो भी अपने डैडी, सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड इन दैट सेंस इट इज देयर. और आप लोग क्या कर रहे हो, वो जाना चाहता है पानी में नाव लेकर. कभी आप लोग ऐसे बोलोगे नहीं, यू विल नेवर स्पीक लाइक दैट. इफ यू आर रियली स्पीकिंग, सपोज दिस सेंटेंस डिड नॉट एग्जिस्ट, सपोज यू आर जस्ट टॉकिंग टू समबडी इन हिंदी, आप कभी ऐसे नहीं बोलोगे वो जाना चाहता है पानी में नाव लेके, अनलेस यू आर राइटिंग अ पोएट्री मे बी. सो या दैट्स द थिंग. ओके, Daddy gets the car to go to the water. Daddy gets the car to go to the water. Gets the car. Car. Okay. Spell it. Car is car. C-A-R. Okay. Papa ne car li pani, pani ke paas jaane ke liye. Daddy gets the car to go to the water. Okay. Pani ke paas jaane ke liye. या डैडी नहीं, आप डैडी ही बोल रहे हैं. आप लोग घर में डैडी बोलने में ज़्यादा आदी हो ना, ऐसे नॉर्मली स्पीक डैडी. ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. जेन इज इन द कार. जेन कार में है, गाड़ी में है. ओ सॉरी, गाड़ी में. या कार इज, कार इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, राइट. हियर दे आर एट द वाटर. ये लोग पानी में, ये लोग पानी में है. ठीक है, सो विल क्लोज इट ऑफ, क्लोज इट ऑफ. सो यस्टरडे वी कैंड विल हैव अ क्लास वर्क सून. सो यस्टरडे आई सेड सम थिंग्स लाइक वी आर डीलिंग विथ टेंसेस एंड वी सेड दैट वी हैड प्रेजेंट. पास्ट एंड फ्यूचर. And we said, sorry, I'll just rub this one off. I'll come to that side. That side is easy. And we said we are dealing with simples, which we like to call indefinite, but we will not call indefinite. We'll keep it for some other time. We'll say simple. So I also said there is nothing special about and future. It's pretty straightforward. Except will and shall sometimes. That I will say today, later on. And I said only the trick remains in present, singular, and which person? Third person. And who are third persons? And everybody except I and you. I mean, okay, except everybody. Anybody, everybody, anything, any object you can think of. Okay. So we'll discuss later certain things about it, but normally you know how to use it that we have discussed. So on that note, we'll give the classwork today, right? There is no way to remind you, but just still I reminded you on my own so that you remember these things. Okay? I hope you do.
those of you who are new, put CW4A, name and date, at the topmost column of your page, right? So I'll be dictating some sentences in Hindi, you need to translate. And help yourself. Yeah. So first one is, Vah gaya tha. Vah gaya tha. Next is Mohan bola tha. Mohan bola tha. Listen carefully. Tumne likha tha. Tumne likha tha. Next is मैं चिंतित था. कुत्ता भौंकेगा. मैं आऊंगा. बच्चे पढ़ेंगे. यू आर नॉट राइटिंग. एंड यू? ओके. बच्चे पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज हम लोग खेलेंगे. नेक्स्ट इज सीता और गीता नाचेंगे. नाचेंगे सीता और गीता नाचेंगे. आई गेस वी आर नाइन. सो द लास्ट वन इज मीना झूठ बोली थी. मीना झूठ बोली थी. यू हैव गॉट 10 मिनट्स. I hope everyone has done. Yes. Okay. So turn on to the next side of your page. Huh? Jiska bacha hai, they can do it later. Okay? So CW4B. I'll be giving you some words. You need to translate it in. You need to make sentences out of it, right? So I'll tell you, right? Note down the words first. First is smart. Then comes dark. 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 Okay. Then card. 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 Right. Then is small. Next is wall. Wall. 5, right? Make past sentences out of it. Next 5 for future. Okay. Part. 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 Starch. 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 Stall. Hall. And call.
5? Call. Call. Yeah. So we have 10 words, 10 sentences. First 5 in past, second in future. Simple. 10 minutes. Difficult in between. Huh? Easy? Yeah, good. Anybody who thinks it was difficult? Better than yesterday. In terms of easiness or in terms of difficulty? Easiness. Okay. Fine. Okay. Okay. Maybe you have you guys prepared better. That is also true. Maybe the standards are actually same. Okay. Fine. So with the syntaxes, I mean syntactical ideas. Hello. Yeah. With the syntactical ideas, we'll also keep on developing the very kind of common words like that we use. So we'll start from this place. Can you read out the first row? Yeah, you. No, you can sit. You can be comfortable. Read out the first row. You're blue about no. Know the meanings of all that? Fine. Next. It's red around right. What is it? Yes. Yes. It's iska. Yes. Next line. Oh no, this pass it this way. Right from one put. Okay. Into good don't to. 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 Just any how got. This got is the past tense of get. Yes. What is to? T double O. बहुत ज़्यादा के सेंस पे टू मच मतलब एक्स्ट्रा या एडिशनल एम्फेसिस इज प्रोवाइडेड यस टू मच यस इन दैट सेंस सॉरी आल्सो इन द सेंस ऑफ आल्सो यस 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 ही इज गुड टू ही इज गुड ही इज आल्सो गुड सो यू कैन से ही इज गुड टू यस ट्रू व्हाट इज इनटू Let me take a chance to get into one of the most dreaded things, prepositions. Okay, prepositions are very tricky. So, to into in. So, can anybody explain what are these three are kind of loudly the whole class? Yes. To means in means under. Into means. I mean, close, yeah, kind of close, what you said, to, correct, in, matlab, andar, andar ke sense pe, into means actually both, taraf aur andar, dono ke senses jisme hoga, theek hai, like, he jumped into the water bhi chalega, theek hai, you know, he looked into the well, वेल मतलब जो कुआं होता है ना वही लुक्ड इन टू द वेल तो इन टू द वेल मतलब इन क्योंकि यू हैव टू लुक इन साइड द वेल सो दैट सेंस इन और टू जनरली व्हेन यू लुक टूवर्ड समथिंग राइट यू लुक टू समथिंग सो उस सेंस पे सो इन टू मतलब अंदर और तरफ ये दोनों का सेंस जब रहेगा तब इन टू बैठेगा डायरेक्शन भी बताना है एंड इन आई मीन डायरेक्शन एंड देर इज अ सेंस ऑफ गोइंग इन साइड इट ऑल्सो ठीक है These things create a lot of confusions. Two in, two in. Just took a time to make note of this. Okay? Fine. So, next, you know, we did that word family. We spoke for the last two sessions with A, right? We first did cat, then we did car and ball, different pronouncing. Now, we will start with E. I'll tell you an interesting information about E. I don't know how many of you know this. Okay? E, from a lot of sources, it gets said that E is the most frequently used letter in English language. Okay, I mean it's like you know quiz trivia. So, what is the letter which is mostly used in English language? And the answer is E, and it has got the most number of variations. It has got
full sound, different sound, half silent sound, silent, another variations, sounding like other vowels, lot of things. E is, very, very, very frequently used. Okay, so we will start with word families containing E, and we will have two different sounds. You can figure out bed and hard, already two different and completely different. We will start from here. First from madam. Hen. You. Men, net, pen, red, set. Ten and bell, best, next. Bill, best, next. Not next. Next. So next. Next. I know it comes with time. Theek hai. Next. Yes. Rest, sales, paste. Sorry? Rest ke baad? Sell. Well. Well. Yes. Smell. So this is one kind. For the other kind? Hull, hurt, jerk, burr, clerk. Yes. Any word you don't know the meaning of or yes, kind of familiar? Clerk? Clerk? Office clerk? Office mein jo clerk rehta hai? Is a clerk in the office who does the job of, you know, recording things and, sorry? Which one you are saying? I didn't get you. Acha, that's what. What do you say? I didn't know the Hindi. What is the Hindi? Sahayak. Sahayak. Okay. Sahayak. I think it is assistant. Lipik. Lipik. Atlab jo lipik lipta. Acha. Yeah. Sorry. Den. Den means matlab astana, gufa, instance, lion's den. In that sense. Okay. Gufa. Or any other word? Sher ka, gufa asthana is it. Lion's den, tiger's den. Hard. H-E-R-D, yeah, I was expecting this word somebody would ask. Jund, jund, jund. Haan, right. You know, we have heard this. That's how it is used, a herd of cows. Okay. Jerk. Jerk matlab jhatka dena ya jhatka itself. Noun bhi hota hai, verb bhi hota hai. So we'll go to the. Today we'll have only board work, I have decided. Because every day I'm not getting the chance to call everybody, and people who are not getting called to the board are feeling disappointed. So I don't want to disappoint anybody, really. Okay, so it should be equal as far as possible. Fine. Anand, can you come just a minute? Yeah. We'll be starting from this side. Okay, it's fine. Yes. Yeah, here we go. So, hum chalenge. Hum chalenge. Rest of the people can do it on notebooks. Hum ant tak chalenge. No, that's why. What? Till? A month tak chalenge, no? Oh, no, I understand what you are saying, but that's acceptable. That's acceptable. In this context. Agar jayenge, jayenge bolte, to aap go bolte. That's what you are trying to say. Yes, but this is we accept. This is a functional English class, so we don't want the pinpoint translation. We want the sense to carry out, not till last. No, that's not correct. Anybody? Till the end. Somebody said. Yeah. Yeah. You said? Okay, good. Sir. Till the end or to the end? To the end bhi chalega.
Fine. Because today we will not be happy with small sentences because I expect a little more today. Okay, fine. Okay. Next. हाँ बताओ बोलो एकदम या कॉल देम मैंने मैंने साइकिल चलाई थी मैंने साइकिल चलाई थी Let the class correct it. I mean, first of all, I want to make this very clear that somebody is coming to the board, that does not mean, okay, for now he is the victim, we are safe. No, I mean, you guys must help him and also try to correct things. Okay. I drive the bicycle. Anything? Road. Yeah. No, that is one thing. First, that's the we best English. This also, I guess. Yeah, that's the best English. First of all, drive itself is wrong. Before we go to ride, drive ka past tense hai, drove. I rode the bicycle, of course. Wo wala road nahi, wo alag road hai. It's a different road. Road is sadak and to road is to drive. That is I rode on the road. Okay, R-O-A-D, R-O-D. D-E. Bicycle spelling sahi hai kya? Ask them. First you have to ask them. If they don't correct, then we will think about it. Janta, bilkul. Bilkul. Okay. Now you see, that's why I want people to call, because when you write in your notebooks, even if you write it wrongly, nobody knows. Thank you. So how will you get corrected? Easy. Bicycle, B-I, or there is a hyphen in between? No, not needed. B-I-C-Y-C-L, right. Mahesh darwaze ke piche chipa tha. Actually, main ye soch raha tha. Darwaze ke piche chipa tha. छिपा था दोनों चलता छुपाना छिपाना दोनों चलेगा बिल्कुल बट पास्ट टेंस क्या होगा हिडन मतलब थर्ड फॉर्म है पार्टिसिपल है पास्ट टेंस क्या है बन गया नो नो यू फोक्स डू इट डाउट लिखो तो ना डाउट एक जगह कार्तिक ठीक है ये लिखे हैं आप सो कोई एनी करेक्शंस महेश दरवाजे के पीछे छिपा था महेश हाइड बिहाइंड द डोर करेक्शंस प्लीज अगर हैं इफ एनी कितने लोग कह रहे हैं सही है कोई अच्छा सही है इट्स करेक्ट करेक्शंस बंदे दिस इज करेक्ट अच्छा ठीक है नहीं दैट्स फाइन आई एम जस्ट आस्किंग द ओपिनियन सो करेक्शंस रेस्ट ऑफ द पीपल सो रेस्ट ऑफ यू थिंक एनी करेक्शन मैडम शुड आई आस्क हिम टू सिट असाइड स्टैंड थोड़ा सा हट के खड़े हो जाइए Actually, kya hai? There is something, yeah, she is right actually. The thing is, Mahesh was hidden. Chipatha, I think you have to give was hidden. So, chipta hai is, or chipta tha is, chipta tha is chipta like. Was hidden behind the door. It would be was hidden in that sense. Or Mahesh hid. Hid is enough. Hid is good enough. It'll do. Yeah, the point we are trying to make is whether you know the past tense of hide is hid. HID, hide.
Yeah, the past tense is hid. I hope nobody has written hided. And please don't write hided, hided, yes. This is hid, right. That is the past tense. Next one. Vijay, noton ki gaddi ginega. Vijay, noton ki gaddi ginega. Count the bundles of currency. Vijay noto ki gaddi ginega. He has written Vijay will count the bundles of currency. So are there any corrections? Vijay noto ki gaddi ginega. Notes. Okay. Notes. Currency ki jagah notes kar dijiye. बंडल नोटों की गड्डी. हाँ तो प्लूरल क्या है, नोट है या गड्डिया? नोटों की गड्डी. हाँ तो नोट्स और इधर बंडल आ जाएगा. कर दीजिए उसको बंडल कर दिया, नोट्स कर दीजिए इसको. नोट्स NOTES. अभी फाइन चलेगा. विजय विल काउंट द बंडल ऑफ नोट्स. ठीक है. थैंक यू. नेक्स्ट आप आ जाइए. नाव पानी में तैरती है. नाव पानी में तैरती है. ओके फाइन. सो हिंदी है नाव पानी में तैरती है. And the English translation he has written is boat swims in the water. पहले तो swim और float में आदमी तैरता है और boat तैरती है, दो अलग चीजें हैं. चलती है, तैरती है, float, float, boat floats. Okay. On the boat. On the water. Okay. इन पानी में तैरती है हिंदी में, बट वो इंग्लिश में ऑन द वाटर ही होता है. ठीक है. अभी मतलब सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा, कुछ और भी जोड़ा जा सकता है क्या? कुछ द बोट जोड़ेंगे नहीं, लेकिन जोड़ेंगे. बोट पानी में तैरती है, वो जो बोट तैर रही है पानी में, हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. द बोट फ्लोट्स ऑन द वाटर. तो फिर आर्टिकल लगा दीजिए, अ बोट फ्लोट्स ऑन द वाटर. द बोट नहीं, ठीक है, मे बी वो बंदरगाहों पे और कुछ बोट्स खड़ी हो, कुछ तैर रही हो, कुछ वेयरहाउस में पड़ी हुई हो. द बोट मैडम, द बोट आएगा बिकॉज बिना उसके इट विल नॉट लुक गुड. ओके. बोट का भी शायद फिर छोटा हो जाएगा अगर आगे आर्टिकल लगा है. इज इट ओके? नेक्स्ट. वह घर पहुंच के घंटी बजाएगा. घंटी बजाएगा.
easy. घर नहीं आया ना शायद कहीं, वह घर पहुंच के घंटी बजाएगा. ओके, सो हिंदी है सेंटेंस हमारा, वह घर पहुंच के घंटी बजाएगा. एंड द इंग्लिश ट्रांसलेशन व्हिच शी हैज रिटन इज ही विल रिंग द बेल आफ्टर ही रीचेस होम. ओके, बजाएगा, रीचिंग चलेगा, बट नॉर्मली आई एन जी कंटिन्यूस के फॉर्म में लगाते हैं. यहाँ सिंपल सेंटेंस है, सो ही विल रिंग द बेल आफ्टर ही रीचेज होम, इतना तो चलेगा. आफ्टर आफ्टर ही रीचेज द होम, मतलब वो अपने ही घर जा रहा है, घर तो है ना. ही विल रिंग द बेल, साउंड्स गुड. हाँ स्पेलिंग Yes. Reaches home. और home के बाद full stop. Okay. Thank you. Next. हम तुमको पकड़ेंगे, सिंपल. हम तुमको पकड़ेंगे. ओके, आई विल कैच यू, हम तुमको पकड़ेंगे. हम मतलब हम तुमको पकड़ेंगे, ठीक है. मतलब हम इज नॉट सिंगुलर और प्लूरल, सो आई विल नॉट बी हियर वी, ठीक है. मैं और हम में डिफरेंस है, ठीक है. मैं इज आई, हाँ बोलने के सेंस में चलता है, ठीक है. सो वी विल कैच यू, फाइन, थैंक यू. नेक्स्ट. मैं कल नहीं सोऊंगा. I'll not sleep tomorrow. ठीक है, मैं कल नहीं सोऊंगा. हाँ बताओ. अच्छा टुमारो में दो है, मैं क्या, मेरे को तो पहाड़ ही देख रहे हैं दो. टुमारो हाँ, I'll not sleep tomorrow. सिंगल एम होगा, टी ओ कार्तिक. हाँ थैंक यू. नेक्स्ट. मैं एक पत्र लिखूंगा. मैं एक पत्र लिखूंगा. ये W कैपिटल है, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल है. दैट्स हाउ यू राइट स्मॉल. नहीं उसी को ठीक कर देते ना. नो दैट्स फाइन, यू करेक्ट इट एंड आल्सो मेक अ हैबिट नॉट राइटिंग इट लाइक दैट. विल कम. ओके, सी एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स, वी आर हियर टू
reduce them and ultimately to reach a stage of perfection. Let's hope so. Right. Okay. Right is what? W-R? I-T. Okay. No, wrote ho gaya na wo. I will wrote a letter. That does not make sense. Likhunga. Wo future ki baat kar raha na. So will write will be the? Likhunga. Okay. Thank you. Okay. कार्तिक कक्षा में बहुत बात करता है कक्षा में बहुत बात करता है अपने लिखो तुम लिख नहीं रहे हो क्यों आते हो क्लास फिर एक एक वर्ड मतलब वो लोग जो कर रहे हैं वो तुम्हें भी करना है ठीक है एक सेंटेंस सबके लिए है कॉपी कहाँ है तुम्हारी कार्तिक कक्षा में बहुत बोलता है कार्तिक टॉक्स अ लॉट इन द क्लास ठीक है परफेक्ट एनी करेक्शन फाइन सेंटेंस भी सही है बना भी सही है नेक्स्ट आप अभी हिंदी से इंग्लिश करें कुछ मतलब इंग्लिश से हिंदी हाँ सील इंग्लिश से हिंदी राइट आई टॉट अ चैप्टर आई टॉट अ चैप्टर हिंदी में इसको हिंदी में लिखते हैं क्या लिखेंगे टॉट अ चैप्टर चैप्टर का हिंदी में क्या होगा पार्ट बट आई विल टेक अध्याय फाइन टॉट पढ़ाया था फाइन ठीक यस्टरडे नाइट आई स्लेप्ट क्वाइट लेट आई स्लेप्ट क्वाइट लेट थोड़ा या क्वाइट क्वाइट लेट मतलब बहुत काफी शायद काफी ठीक है देर से सोया था देर से काफी क्वांटिटेटिव डबल मात्रा के लिए बोल रहे मैं कल रात काफी देर से सोया था ठीक है एक एक करके हाँ किसे ऑब्जेक्शन रात्रि भी ठीक है ओके रात्रि हो गया ठीक है आई थिंक दैट्स फाइन एज फार एज ट्रांसलेशन इज कंसर्न दैट्स ओके दैट्स फाइन ठीक है एक्सक्यूज मी आई विल ईट बनानास ईट बनानास bananas bananas yeah.
I will eat bananas. Bananas ke la. Yes. कहाँ गलती है? आई विल ईट बनानाज. ईट मतलब खाने के लिए. हाँ नो 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 हाँ होटल नो नो आई विल ईट बनानाज. तो ईट का मतलब क्या है? खाना. खाना. तो ये ईट वर्ब है. ईट इज द वर्ब खाना. तो उसका फ्यूचर में लिखना है तो उसका हिंदी में फ्यूचर लिखिए. मैं केला खाऊंगा. बनाना नहीं है, खाना की बात हो रही है. अच्छा बनाना में बनाना मतलब केला या बनाना मतलब हिंदी बनाना? दैट्स वेयर यू आर कंफ्यूज्ड. अच्छा आई अंडरस्टैंड. ये खाऊंगा. द कंफ्यूजन. खाऊंगा कर दीजिए. बनाऊंगा को खाऊंगा कर खाऊंगा. ओके ओके के केले होगा. रुको देता हूँ. वे हिंदी से इंग्लिश करना है ठीक है. वे दूसरों का गलती सुधारता है. हाँ सुधारते हैं. दूसरों की गलती. थोड़ा सा गलती है. दिस किड इज गुड बट नहीं नहीं. अदर्स मिस्टेक्स इज एन ऑप्शन. जैसे वो लिख रहा है वो भी सही है. वैसे भी लिखा जा सकता है लेकिन छोटा सा एक मिस्टेक है. अदर्स 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 गलतियां अच्छा दैट्स व्हाई यू आर सेइंग. हाँ हाँ बट दूसरों की गलती मतलब परहैप्स यू कैन आल्सो यूज मिस्टेक्स बिकॉज दूसरों का हर एक का एक ही गलती होगा ऐसा नहीं है. मे बी यू कैन से यू शुड हैव सेड गलतियां. दैट्स अनदर थिंग. ठीक है बट या द वे ही ट्रांसलेटेड इट्स आई थिंक इट्स करेक्ट. मैं कल से शांत बैठूंगा. Any suggestion from the class? I will silent. अरे tomorrow में tea तो बना well लग रहा है. Silently, I will silently. कोई verb नहीं है. बैठूंगा ना? बैठूंगा तो आया ही नहीं. Perhaps silently नहीं है. There is a better word. I'll sit quiet. That is also fine. Good question. I was thinking on that. I will write tomorrow onwards. That's my choice. But it is not mandatory. I'll sit quiet from tomorrow.
that's fine. I'll sit quiet. लेकिन actually tomorrow onwards why I think it is better मतलब सिर्फ कल नहीं कल से चलते हुए कल से चलते हुए कल से sorry actually from tomorrow onwards ज़रूरत नहीं है because from tomorrow मतलब you are already giving an hint you are giving a hint from tomorrow मतलब starting from tomorrow and then so if you write tomorrow onwards I don't think you need for from I will sit quiet tomorrow onwards from or here no here from tomorrow मैं कल मैं कल तक चुप हो जाऊंगा आई विल बी क्वाइट बाय टुमारो दैट इज बाय नॉट हियर बाय टुमारो मैं कल से संगीत की कक्षा में जाऊंगी मैं कल से संगीत की कक्षा में जाऊंगी Yes, anything to say about this sentence? I was expecting this somehow and it turned out that way. Anything, any question? First of all. F capital India? No, I think this is small. You should write it small. Yeah. Huh. First question? Yes, first question. Yes, that is the question I am expecting. That is one question. I'll come to that. Music classes. That can be one way, but it is not mandatory. But either you have ES here, or at least you have an article here. As I always said, singular noun with an article. Now the question is this: four or two? What do you say? How many in favor of two? Raise your hands. And how many in favor? Semi hand. Okay, then theek hai. Fine. So, acha. And how many in favor of four? Actually, that's the thing. You know, our minds generally tells the truth. Two or four, dono hi chalega. ठीक है. No, not necessarily. No. That is a perception. That need not be true. Can be music class ke liye. Actually, yes. When you write four, the emphasis is on music. When you write two, as if the emphasis is on class. ठीक है तो जिस सेंस पे आप इंटरप्रेट करेंगे, I will go for music class. I'll go to music class. I'll accept both. No problem. But the you should write the. For singular nouns, ठीक है? I'll go for the music class tomorrow onwards. ठीक है, fine. Next. हो गया? Everybody? Oh, cool. Who is left? Okay. So, fine. Any question? Any question? Anywhere you feel? Anything related to what we have done till now? Because perhaps we will move on to a different thing from simple present, simple past, simple future that we had been doing all along. We'll move on to different things from next class. So we can also ask, we can also talk other things, but perhaps we will not find time. So that's why I'm asking anything related to simple tenses of present, past, future. Nothing? Fine. That's about it.
Yeah, some of you missed a few classes in the beginning. I hope you can upgrade, and so that when we discuss new things, most of you are at par, at the same level, because that helps. That helps. Can I keep it a surprise? No, I mean we'll discuss mostly. No, see, the pattern will be same. Syntax, vocabulary, because that's the thing. Any language, even Hindi, कोई भी language आप सीखोगे, दो चीज़ ज़रूरत होता है, syntax और vocabulary. Vocabulary क्योंकि so that you can express what you think, and syntax because there should be some standard rules to differentiate between time. ठीक है? If you look at it, syntax, there is a lot of things about at least tense. That part of tense in syntax is about time, isn't it? When did something happen? You wanted to convey that something happened. You also wanted to convey when did it happen? Now, or it happened earlier, or it will happen sometime later. So that time, sense of time is conveyed in tense. That's why you have to keep that in mind. So we will keep on with tense in one side and vocabulary in terms of word family on the other side. That will be the general pattern. And try to read things, as I said. I mean, read newspapers, anything, I mean, anything, any subject that you feel good about, read, and read in English for now. Okay, thank you.